राजधानी पटना समेत प्रदेश में बिहार में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। दिन में जहां पछुआ हवा का प्रभाव और तापमान में वृद्धि होने से लोग गर्मी से परेशान हैं, तो वहीं दोपहर बाद बादलों की आवाजाही बने होने के कारण उमस भरी गर्मी भी सता रही है। उत्तरी भागों में छुटपुट बारिश तो दक्षिणी भाग में गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार 48 घंटों तक मौसम में बदलाव के आसार नहीं है। हालांकि 19 मई से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। शनिवार को पटना और आसपास इलाकों का मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं दक्षिणी भागों के बांका, नवादा, पूर्णिया, भागलपुर, गोपालगंज में लू को लेकर चेतावनी जारी की गई, जबकि किशनगंज, अररिया जिले में आंधी पानी के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात को लेकर संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार 19 मई से मौसम में एक बार फिर बदलाव की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवातीय परिसंचरण का क्षेत्र और दक्षिण पश्चिमी मानसून की सक्रियता बंगाल की खाड़ी की ओर होने की वजह से 19 से 23 मई तक पटना समेत जिलों में मेघ गर्जन के साथ आंधी पानी के आसार है। मौसम में बदलाव आने के बाद तापमान में गिरावट से लोगों को भीषण गर्मी और लू से कुछ समय के लिए राहत मिलेगी। किसानों को सावधान रहने की सलाह दी गई है।